हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे सब। और लास्ट टाइम कहाँ तक हो गया था बच्चों हमारा? 4.1 खत्म। जी बिल्कुल, हमने सर 4.1 हमारा ऐड हो गया था, है ना। लास्ट क्लास में आपको हमारे द्वारा एक्सरसाइज 4.1 जो चैप्टर हमारा फोर्थ चैप्टर है यानी डिटरमिनेंट्स, उसका बेटा आपको बेसिक भी कराया गया था। और बेसिक के साथ साथ हमने 4.1 भी एकदम फिनिश कर दी थी, ठीक है। उसमें से मैंने आपको कहा था कि आपको 4.1 करनी है, और डाउट्स को लेकर आता कि 4.1 में किसी बच्चे के डाउट्स आए नहीं थे बेटा, ठीक है। अब बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 की। 4.2 एक अपना नाम ऐसे एक्सरसाइज है बेटा, जिसमें जिसको करने के लिए बहुत सारे चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान यानी कि उसका बेसिक होना चाहिए हमें, और उसका बेसिक करने के लिए आज की जो हमारी क्लास होगी वो हमारी बेसिक की होगी। बिल्कुल सर, आज हम बात करेंगे कि डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो यानी कि सर आज का जो तो टॉपिक होगा वो होगा बेटा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है जी। डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, ठीक है। टोटल आपके एनसीईआरटी में 6 प्रॉपर्टीज दी गई हैं, तो उन्हीं 6 प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स यानी कि सर याद है ना बेटा? सर चलिए सर, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर वन, प्रॉपर्टी आगे पीछे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आगे हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आपके एनसीईआरटी में फोर्थ प्रॉपर्टी हो, मैं उसको पहली प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टी समझनी है, ठीक है सर। तो प्रॉपर्टी नंबर वन है, प्रॉपर्टी नंबर वन क्या कहते हैं सर? प्रॉपर्टी नंबर वन ये कहते हैं प्यारे बच्चों कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो और कॉलम, इफ इट्स रो और कॉलम इंटरचेंज, चलिए सर क्या कह रहा है देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो और कॉलम इंटरचेंज, कह रहे कि अगर मेरे पास कोई एक डिटरमिनेंट्स है और मैं उसके रो और कॉलम को, अगर मैं किसी डिटरमिनेंट्स के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करता हूं, तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो सर क्या होगी? वो चेंज नहीं होगी, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू वही रहेगी। सर कैसे? चलिए सर करते हैं। प्यारे बच्चों मान लो मेरे पास एक कोई डिटरमिनेंट्स है, जैसे मैंने कहा 4, 5, 6, 2, 1, 8 और 9, 3, 7, ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट्स है, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं ये जो रो है इसे मैं सर किस में चेंज कर देता हूं? कॉलम्स में, है ना। इफ रो और कॉलम्स, इफ इट्स रो और कॉलम इंटरचेंज, अगर इसके रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगर इसके रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, क्या सर साइड दे दे? आप ही गायब हो रहे हो, दिख तो अच्छा सब रहा है। यहाँ जब मैं गायब हो रहा हूँ, ठीक है, चलो मुझे इस साइड आना पड़ेगा ना, मतलब ज्यादा फोकस मुझे करना पड़ेगा। चलिए चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, मैं गायब हो रहा हूँ, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों कोई नहीं, मेरा दिखना इतना आवश्यक नहीं जितना ये दिखना हो सके, ठीक है, चलो कोई नहीं सर। ये हमारे पीछे ना कैमरा के पीछे कौन है? सौरभ, ठीक है सर, ये हमारा हो गया। प्यारे बच्चों अब अगर इसके रो और कॉलम को आप हमें इंटरचेंज करते हैं, ठीक है सर, है ना। देखो सर कि हमारे पास ये जो रो है सर क्या बन जाएगी? कॉलम बन जाएगी, है ना। और कॉलम क्या बन जाएगी सर? रो बन जाएगी सर, यानी क्या हो जाएगा? 4, 5, 6 और सर क्या हो जाएगा? 2, 1, 8 और 9, 3, 7, ठीक है। पहले बच्चों क्या? 4, 2, 9, ठीक है, 5, 1, 3 और 6, 8, 7। देखो सर ये पहले मेरे पास क्या था?
ये पहले मेरे पास सिंपल मैट सिंपल डिटरमिनेंट्स दिया हुआ था सर, हमने क्या किया उसके रो को है ना, जो रो थे सर किसमें चेंज कर दिया, कॉलम्स में चेंज कर दिया। तो अगर हम रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं या कॉलम्स को रो में चेंज करते हैं तो सर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब जो वैल्यू इस डिटरमिनेंट्स की आएगी वही वैल्यू इस डिटरमिनेंट्स की आएगी, मतलब जो सोल्व करने पर आंसर किसका आएगा वही आंसर किसका आएगा। बच्चों इससे क्या होता सर, तो सर इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, बट निष्कर्ष निकालने से पहले ना आप एक बार कर सकते हो, एक बार इस डिटरमिनेंट्स को सोल्व करिए, एक बार इस डिटरमिनेंट्स को सोल्व करिए और दोनों का आंसर क्या आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। अच्छा प्यारे बच्चों अब एक चीज समझो, आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ी हुई है, बिल्कुल पढ़ी हुई है, अब जब हम रो को कॉलम में चेंज करते थे उसको क्या बोलते थे हम, ट्रांसपोज, क्या बोलते थे, ट्रांसपोज। तो यानी कि जब रो को हम कॉलम में चेंज करते थे उसको हम ट्रांसपोज बोलते थे, तो ट्रांसपोज बोलते थे यानी कि अब यहां पर क्या हो रहा है, जो वैल्यू इसकी आ रही वही वैल्यू इसकी आ रही, तो यानी कि इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो एक डिटरमिनेंट्स है उसकी वैल्यू उसके क्या, ट्रांसपोज के बराबर होगी। तो क्या होगी, उसकी वैल्यू उसके ट्रांसपोज के बराबर होगी। तुम बोलोगे सर कैसे, देखो बच्चों मैंने क्या कहा, क्या बोला था मैंने कि अगर डिटरमिनेंट्स के रो कॉलम को आपस में चेंज करोगे तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या रहेगी, वही वैल्यू रहेगी, जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी। ठीक है सर, अब हमने क्या बोला सर, हमने क्या बोला आपको, मैंने कहा इसका मतलब क्या है, डिटरमिनेंट्स हो ए, इसका मतलब क्या हुआ सर, हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया, यही तो है, रो किसमें चेंज हो गई, कॉलम में, और कॉलम किसमें हो गई, रो में। इसका मतलब क्या है, यानी कि डिटरमिनेंट्स में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मेरे पास जो कोई भी डिटरमिनेंट्स है, कोई भी डिटरमिनेंट्स है उसकी वैल्यू उसके ट्रांसपोज के बराबर होती है। ठीक है सर, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इतनी कहती है, बाकी बेटा प्रूफ करने के लिए आप इन दोनों को क्या कर सकते हो सर, सोल्व कर सकते हो बेटा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों इसको आप पॉज कीजिए, राइट डाउन कीजिए और बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर दो क्या कहता है, ये कहता है कि इफ एनी टू रो और कॉलम, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ आर डिटरमिनेंट्स, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स चेंज देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट्स चेंज। थोड़ा बात को समझने की कोशिश करो, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ पे डिटरमिनेंट चेंज देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट्स चेंज। बेटा क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी नंबर एक तो ये बोलती थी कि सर अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट्स के रो और कॉलम को आपस में, रो को कॉलम को और कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी, हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, तो आंसर निकालेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट्स के रो कॉल है ना, किसी भी डिटरमिनेंट्स के रो को रो के साथ और कॉलम को कॉलम के साथ चेंज करते हैं तो वैल्यू क्या रहेगी सर, जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, वैल्यू जो डिटरमिनेंट्स का आंसर आएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। देखो सर कैसे, सर कैसे मतलब समझ नहीं आया ना, देखो बच्चों प्यारे बच्चों मान के चलो मेरे पास जैसे एक डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट मैंने बोल दिया, ठीक है 5 4 3 2 1 9 8 7 6 मेरे पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों
मान के चलो मैंने क्या चलाया, मैंने कहा रो वन है ना चेंज इनटू रो टू, मतलब रो वन और रो वन और रो टू आपस में क्या होंगे चेंज होंगे है ना, क्या हो जाएगा है ना सर, क्या हो जाएगा मान के चलो हमारे पास इसमें ये हमने क्या किया सर इसमें ना ठीक है सर, तो प्यारे बच्चों क्या हो गया रो वन आपस में चेंज हो गया, प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा ये जो रो टू है ये रो वन बन जाएगा और रो वन क्या बन जाएगी रो टू बन जाएगी सर, 219543876 ये वो हमारे पास सर। सेम यहां पर अगर मैं करता हूं मान के चलो मैंने किया सी वन चेंज, मैं सी वन को चेंज किस में कर रहा हूं सी थ्री में, सी वन चेंज सी थ्री, कॉलम वन को मैं चेंज कर रहा हूं कॉलम तीन में, कर सकते हैं सर, तो क्या हो जाएगा बस सर ये जो हमारा डिटरमिनेंट्स हो जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ये ऐसा आगे ना सी वन क्या बन जाएगा सी वन 396 ये तो वैसे रहेगा 417 और ये क्या बन जाएगा सी थ्री 528 है ना, अगर आप रो को आपस में चेंज करते हो कॉलम को आपस में चेंज करते हो तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो डिटरमिनेंट्स होगा उसका साइन चेंज आ जाएगा, मतलब सर देखो मान लो प्यारे बच्चों इसका इस डिटरमिनेंट्स का पहले आंसर था 20, इसका पहले आंसर क्या आ रहा था 20, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 20, क्या आएगा माइनस का 20 है ना, और मान के चलो इसका आंसर पहले आया जैसे मान लो लेट कर लिया मैंने इसका आंसर आया पहले माइनस का 10, क्या आया माइनस का 10, तो अगर आपने रो को आपस में चेंज किया तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 10 आ जाएगा, यानी कि डिटरमिनेंट्स का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा पर साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ऐसे यहां पर हो जाएगा सेम है ना, अगर आपने क्या किया कॉलम कॉलम को कॉलम में चेंज किया ठीक है तो वही अगर माइनस आंसर है तो क्या हो जाएगा प्लस, अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी डिटरमिनेंट्स का साइन कब चेंज होगा, कब चेंज होगा जब हम रो को रो में चेंज करेंगे या कॉलम को कॉलम में, ठीक है सर, ये हमारा इसका कंक्लूजन है, तो टोटल कंक्लूजन क्या निकलता है यानी कि अगर हम रो को रो में चेंज करें और कॉलम को कॉलम में चेंज करें यानी सर क्या जाएगा है ना, ये हमारा यहां से निष्कर्ष निकलता है किसका, इसका प्रॉपर्टी नंबर दो ये बोलती है कि अगर आप चेंज करो तो इसका ये हमारा आ जाएगा, ठीक है सर, प्रॉपर्टी नंबर वन क्या बोलता था लो भैया प्रॉपर्टी नंबर ये बोलता था प्रॉपर्टी नंबर वन, ये ध्यान रखो क्योंकि अब जो आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना वो पुरानी प्रॉपर्टी से उसका कुछ ना कुछ संबंध होगा, हाजी सर समझ गए, उम्मीद करो हमारे बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है तो बच्चों वीडियो को पॉज करिए राइट डाउन करिए और फिर बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर तीन की तरफ, बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर तीन, प्रॉपर्टी नंबर तीन क्या है सर, इफ एनी टू रो ऑन कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट्स, इफ एनी टू रो कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल then the value of determinants are zero, बिल्कुल सर zero, if any two row or column of determinants are identical then the value of determinants are zero, सर क्या बोलना चाह रहा है देखिए प्यारे बच्चों मेरे पास एक डिटरमिनेंट है कोई ठीक है सर है ना ठीक है सर चलो मैंने इसको ये सिंबल दे दिया ऐसे वाला कुछ भी एक दो दो तीन एक दो पांच एक दो आठ प्यारे बच्चों इस डिटरमिनेंट में कुछ एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे जो कॉलम वन है और जो कॉलम टू है कॉलम वन और कॉलम टू जो कॉलम वन है और जो कॉलम टू है ना
कॉलम वन और कॉलम टू, उसमें क्या बैठा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैंने एक काम करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, यहाँ वन वन, यहाँ टू टू, और लो मान लो यहाँ लिख दिया मैंने थ्री थ्री, ठीक है, वन वन टू थ्री, वन टू थ्री, ठीक है। हाँ अब देखिए आप यहाँ मैंने कोई एलिमेंट लिख दिया, ठीक है, अब सही है। देखिए प्यारे बच्चों, कॉलम वन और कॉलम टू, अरे कॉलम थ्री है, कॉलम वन और कॉलम टू में कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा आप, ऑब्जर्व एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो कॉलम वन और कॉलम टू के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या है, इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, इक्वल, जैसे ये भी वन, ये भी वन, ये भी टू, ये भी टू, ये भी थ्री, ये भी थ्री, है ना। तो इन्हें बोलते हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल लिखा है ना, आइडेंटिकल का मतलब होता है जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं अगर वो इक्वल हो, अगर वो इक्वल हो तो ऐसे कंडीशन में जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आती है वो सर क्या आती है, जीरो आती है। ये आइडेंटिकल है, ये है हमारी आइडेंटिकल, है ना। ये ऐसे हो सकता है प्यारे बच्चों, ये ऐसे हो सकता है, कैसे, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान के चलो कि मैंने कहा पांच पांच पांच, ठीक है, यहाँ पर पांच पांच पांच, यहां मैंने सात आठ नौ, सर ये भी क्या है, ये भी आइडेंटिकली तो है, ये रो फर्स्ट, ये रो टू और ये रो थ्री, है ना, फाइव 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 फाइव, है ना, रो फर्स्ट और रो सेकंड क्या है, इक्वल है, मतलब रो फर्स्ट और रो जो सेकंड के एलिमेंट है एक जैसे ही है, ये भी क्या है, ये भी आइडेंटिकल का ही एग्जाम्पल है, है ना। इसको और लिखना है, ऐसे सर हमने, ठीक है, फाइव सेवन एट और फाइव सेवन एट, ठीक है सर। तो ऐसी कंडीशन में जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू होगी वो सर क्या आएगा, जीरो आएगा। अब सर जीरो कैसे आएगा आपके माइंड में ना, ये तो आगे आ गया होगा सर, ये तो आप समझ गए होंगे कि जीरो आएगा। अब सर जीरो आएगा कैसे, आप बोलोगे जीरो कैसे आएगा, देखो बच्चों मैं आपको यहां समझाता हूं, इस डिटरमिनेंट के हेल्प से समझाता हूं कि हमारा आंसर जीरो कैसे आने वाला है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर बाय द वे मान के चलो कि वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू, है ना, वन सेवन एट, सेवन फाइव एट, प्यारे बच्चों हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ी थी, प्रॉपर्टी फर्स्ट ऐसा बोल रहा था ना, प्रॉपर्टी सेकंड में हमने पढ़ा था सर, है ना। तो प्रॉपर्टी सेकंड में हमने क्या पढ़ा था सर, कि अगर सर साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं ना, अगर क्या करते हैं हम, और रो को क्या करते हैं, कॉलम में चेंज करते हैं, मतलब रो को रो में चेंज करते हैं और कॉलम को कॉलम में। सेकंड प्रॉपर्टी ये कह रहा था, अगर रो को रो में चेंज करो और कॉलम को कॉलम में चेंज करो तो क्या हो जाती है, वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो प्यारे बच्चों ये मान के चलो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, सॉरी माफ कर जाता हूं, ये क्या है, डिटरमिनेंट्स है, क्या सर मेरे पास, डिटरमिनेंट्स है। और मान के चलो अगर मैं सी वन को किस में चेंज करता हूं, सी थ्री में, देखो सर ये मेरे पास एक आइडेंटिकल डिटरमिनेंट्स है, यानी किसके जो एलिमेंट है वो आइडेंटिकल है, जो कॉलम फर्स्ट है वही कोई कॉलम टू के एलिमेंट मतलब सेम है। तो मैंने क्या किया सर, कॉलम वन को किस में चेंज कर दिया, टू में, टू में, कॉलम वन को चेंज किस में किया, टू में, यानी कि सर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, वन टू थ्री, वन टू थ्री, सेवन फाइव एट। अरे कुछ फर्क पड़ा भाई, सुनो कुछ फर्क पड़ा नहीं, क्या था, जो डिटरमिनेंट मेरे पास दिया हुआ था जब मैंने कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड में चेंज किया तो दोबारा से क्या आ गया, वही आ गया। या इस कंडीशन में बात करूं मैं, इस कंडीशन में बात करूं मैं, इसके लिए बात करूं, अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, रो वन को किस में चेंज करता हूं और रो टू में चेंज करता हूं, क्या होगा, वही तो होगा, फाइव सेवन एट, फाइव सेवन एट और सेवन एट नाइन, क्या रहेगा, आ तो वही रहा है ना, आ तो वही रहा है। अब आप देख रहे हो यार, आपने क्या देखा कि आपने यहां पर आपने एक चीज देखा कि यार ये आइडेंटिकल है, अच्छा कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड सेम है, यहां पे अगर कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो वही आएगा। तो यानी अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देखूं तो प्रॉपर्टी दो से मैं ये बता सकता हूं कि जो डिटरमिनेंट्स आएगा वो निगेटिव आएगा,
यानी अगर मैं इसका डिटरमिनेंट्स निकालता हूं और इसका डिटरमिनेंट्स निकालता हूं तो रूल के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, तो रूल बोलता है ना, देखो रूल सेकंड क्या कहता है, यही तो कहता है ना, रूल सेकंड यही तो बोलता है कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट्स के किस चीज को सर, अगर उसके रो को रो में चेंज करें और कॉलम को कॉलम में चेंज करें तो वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव आ जाती है। तो आपको बोलने का आप ऐसे तो लग रहा हो, लग रहा होगा सर कार्य से ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है सर, सर ये इस साइड माइनस है, इधर का क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, वहां राइट साइड बेटा क्या बचेगा, जीरो बचेगा, कितना हो जाएगा बेटा टू डेल्टा आई, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। सर हमने क्यों लिखा, अरे मैंने क्या लिखा, मैंने प्रॉपर्टी टू को यूज करके लिखा है ना, प्रॉपर्टी टू को समझो ना, क्या किया मैंने प्रॉपर्टी टू को तो यूज किया कि डेल्टा इज इक्वल टू सर माइनस डेल्टा है ना, ठीक है सर, इज इक्वल टू सर क्या आएगा जीरो आएगा है ना, और सर ये क्या मल्टीप्लाई में सर क्या आ जाएगा डिवाइड में, सर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास जीरो आ जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारे पास जीरो आएगा, बोले सर जीरो तो आएगा हमारा आंसर, आंसर क्या आएगा सर जीरो आंसर आ गया। तो प्रॉपर्टी नंबर जो हमारा क्या था, प्रॉपर्टी नंबर तीन है ना, ये कह रहा है कि मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, और जीरो कब आएगी, किसी भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमारी जीरो आ सकती है, पॉसिबल है, अगर उसके सर एलिमेंट क्या हो आइडेंटिकल हो, यानी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या हो सर इक्वल हो। सेम सर यहां भी कर सकते हैं, सेम हम इसमें भी कर सकते हैं, इसमें इसमें तो इसको हमने चेंज कर दिया, रो को चेंज में रो फर्स्ट को किसमें चेंज कर दिया, रो सेकंड में चेंज कर दिया हमने, उसके बाद क्या करेंगे है ना, क्या बोलेंगे बेटा, क्यों हमने इंटरचेंज किया, अगर इन दोनों को इंटरचेंज किया है तो वही इंटरचेंज करने के बाद भी क्या है सेम ही है ना, यानी कि सर है ना ऐसे ले सकते हो, तो घुमा फिरा कर सर आंसर क्या आना हमारे पास जीरो आना सर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस प्रॉपर्टी नंबर तीन को राइट डाउन करिए, फिर बात करेंगे हम प्रॉपर्टी नंबर चार की। चलिए बच्चों बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर चार की, ठीक है। अभी तक हमने प्रॉपर्टी देखी, कितनी प्रॉपर्टी देखी, तीन प्रॉपर्टी है ना, पहले प्रॉपर्टी कुछ ऐसा बोल रहा था लो भैया, अगली प्रॉपर्टी सर क्या बोल रही थी लो भैया, अगली प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी जीरो है ना। पहले प्रॉपर्टी ने हमने क्या सिखाया कि भैया अगर आप रो और कॉलम को आपस में चेंज करोगे तो डिटरमिनेंट्स ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा, अगर हम कॉलम को कॉलम में और रो को रो में चेंज करोगे तो जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आएगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप हमारे पास अगर कोई भी डिटरमिनेंट्स है और उस अगर उसके एलिमेंट आइडेंटिकल हैं, यानी कि कॉलम वन के एलिमेंट कॉलम टू के जैसे हैं, या कॉलम या रो वन के एलिमेंट्स रो टू के जैसे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा उसमें उसकी वैल्यू क्या, उस केस में डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आ सकती है सर जीरो आएगी उस केस में। प्रॉपर्टी नंबर चार, सिंपल प्रॉपर्टी नंबर चार ले रहा हूं मैं। प्रॉपर्टी चार क्या बोलती है बेटा कि ऐसा हो सकता है कि इफ ईच रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट्स, इफ ईच रो नहीं बेटा रो नहीं आया, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाई के टाइम्स देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स मल्टीप्लाई बाई के क्या मतलब है सर इसका, देखते समझाता हूं आपको। चलिए सर एक एग्जांपल लेते हैं,
किसका नहीं, पहले एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैट्रिक्स का, किसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैट्रिक्स, मेरे पास ये 2 5 4 9 8 7 1 5 6 मैट्रिक्स में ऐसा था। अब मैट्रिक्स में अगर मुझे कहा जाए कि मुझे इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना भाई स्वरम, 2 5 4 9 8 7 1 5 6 ये हम कब करते थे मैट्रिक्स में। अब क्या मैट्रिक्स में क्या करना पड़ेगा, इस टू को मैं इस पूरे मैट्रिक्स से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। यानी सर क्या हो जाएगा, ये बात कर रहा हूं मैट्रिक्स की, 2 2 4 2 5 10 2 4 8 ना, 2 9 18 2 8 16 2 7 14 2 5 10 2 5 12 ये किसमें होता था, किसमें होता था बेटा, ये मैट्रिक्स में। पर डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करेंगे डिटरमिनेंट्स में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा है, तो क्या है फिर। तो प्यारे बच्चों मेरे पास ये डिटरमिनेंट्स मान के चलो, ठीक है, 2 4 6 5 7 9 1 8 7 इसमें या तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं क्या करूंगा, मैं किसी एक रो को ही या किसी एक कॉलम को ही मल्टीप्लाई कर सकता हूं एक बार में। मतलब बाय द वे मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है बेटा, ठीक है, सॉरी मैट्रिक्स नहीं है, ये मेरे पास क्या है डिटरमिनेंट्स है, ये मेरे पास क्या है डिटरमिनेंट्स है। तो मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई बाय, जैसे मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई सी वन बाई टू। तो मेरे पास जो नए डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आएगी, जो नया डिटरमिनेंट्स बनेगा ना, तो उसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ टू लिखता हूँ, ठीक है, 2 4 6 अभी तो मैं सेम को वही लिख रहा हूँ मैं, 5 7 9 1 8 7 तो यहाँ पर टू लिखने का मतलब पता क्या है, यहाँ पर 2 लिखने का मतलब ये है, मैंने पहले बोल दिया था मैं इस 2 को इस पूरे डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं इस 2 को सिर्फ किससे करूंगा, किससे, सिर्फ रो 1 से, सिर्फ किससे, कॉलम फर्स्ट लिखा मैंने, क्या लिखा, C1 से, किससे करूंगा मैं, सिर्फ C1 से। मतलब सर जो मेरे नए डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, मैं उसमें C1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। यानी सर क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 5 10 2 1 2 और बाकी पूरा क्या आएगा, वही 4 7 8 और 6 9 7। इसको इस 2 को आप जरूरी नहीं कि कॉलम 1 से करना है, या तो क्या करो, या तो सिर्फ कॉलम 1 से करो, या सिर्फ कॉलम 2 से, या सिर्फ कॉलम 3 से, अगर ऐसे नहीं करना है, या सिर्फ रो से कर सकते, या सिर्फ रो से करो। मैट्रिक्स में क्या होता था, पूरे से करना पड़ेगा। और सेम मल्टीप्लाई का रूल है, डिवाइड का रूल भी यही है, जैसे जो रूल मल्टीप्लाई का ना, वही रूल डिवाइड का भी है। कि मतलब क्या, डिवाइड का रूल यही बोलता भैया कि आपको अगर डिवाइड करना है ना, अगर आपको डिवाइड करना है, तो किसी एक कॉलम किसी एक रो से आप डिवाइड कर सकते हो। तो ठीक है सर, अब प्यारे बच्चों यहां से जो रूल का निष्कर्ष निकला, ये चीज कर ना, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाई के टाइम्स, अगर किसी भी एक रो या एक कॉलम को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो कॉन्स्टेंट के, के मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, के टाइम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स मल्टीप्लाई बाय के, तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू के टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब ये जो नया डिटरमिनेंट्स आएगा ना, वो हो जाएगा के ऐसे। तुम बच्चे बोलोगे सर कैसे, अरे देखो बच्चों मेरे भाई, मान के चलो ये जो पहला वाला डिटरमिनेंट्स था, ठीक है, मान के चलो जो पहला वाला जो डिटरमिनेंट्स था उसकी वैल्यू आ रही थी 25, क्या आ रही थी 25, ठीक है, और मैंने इसके रो को या कॉलम को किससे मल्टीप्लाई किया, मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो नए वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले की दुगनी आ जाएगी, 2 है ना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, यही तो है k डेल्टा ना, k की जगह, क्योंकि मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो k की जगह क्या आ जाएगा,
टू आ जाएगा, टू इंटू 25 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। मतलब जितने नंबर्स से डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे नए डिटरमिनेंट्स की वैल्यू उतनी ही टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है सर? बिल्कुल। और हाँ एक चीज ध्यान देना, ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि सर सबसे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे। देखो अगर सबसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो पता क्या हो जाएगा, अगर मान लो मैंने पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, और अगर मैं सबसे मल्टीप्लाई करता तो सबसे मल्टीप्लाई करना पता क्या होता, फिर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी टाइम्स बढ़ती। जैसे 2 में से 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, फिर अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती ना 2 × 4 × 8 टाइम्स बढ़ जाती। कितने गुना बढ़ जाती? 8 गुना बढ़ जाती बेटा, ठीक है? इसलिए यहां पर ऐसे नहीं होता। डिटरमिनेंट्स में क्या करते हैं, है ना, डिटरमिनेंट्स में हमारा क्या करते हैं, सिर्फ किसी एक रो या एक कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतनी गुना जो नया डिटरमिनेंट्स आएगा उसकी वैल्यू उतने गुना बढ़ जाएगी, ठीक है सर? अच्छा प्यारे बच्चों ये करो, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 इसको आप राइट डन कर लो, ठीक है? और राइट डन करने के बाद में इसका मतलब छोटा सा एक और एग्जांपल लेता हूँ, राइट डन करो और इसको राइट डन कर लो, ठीक है? और इसको मैं एक और छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल ये रहा बच्चों, दूसरा एक एग्जांपल है इसी पर बेस, क्या बेस सर? देखिए पहले बच्चों मैंने आपके सामने एक कोई डिटरमिनेंट्स लिख दिया है, ठीक है, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 4, 6, 10, ठीक है प्यारे बच्चों? इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 2, 3, 5, 6, 7, 8 और देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2, 2 जा 4, 2, 3 जा 6 और 2, 5 जा 10, वही तो है। इन सब में 2 कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2, 2 जा 4 बात वही है, 2, 3 जा 6 बात वही है, और 2, 5 जा 10 बात तो वही है, ठीक है? आप करो सर बिल्कुल बात वही है। प्यारे बच्चों एक काम करो, जब इसका मतलब ये जो मेरे पास रो 3 है, इन रो 3 में क्या आ रहा है, रो 3 में क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, उस 2 को क्या ले लो बाहर। अगर 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन मतलब क्या है, 2 कॉमन तो 2 क्या ले लो बाहर, लिख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, यही तो बोल रही थी प्रॉपर्टी नंबर जो अभी 4 तो प्रॉपर्टी 4 मैंने कराई थी, है ना, उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि हम चाहे उसको डिवाइड करो चाहे आप मल्टीप्लाई करो, पर क्या करना पड़ेगा, किसी एक रो किसी एक कॉलम से, ठीक है सर? तो प्यारे जो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, 2, 3, 5, 6, 7, 8 और 2, 3, 5 ये लिख रहे, ये लिख दिया मैंने। अब मैंने 2 बाहर लिख दिया, क्या दिक्कत है भाई, है ना, मैं 2 बाहर लिख दिया, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्या 2 बाहर लिख सकते हैं हम, बिल्कुल सर 2 बाहर हम लिख सकते हैं, क्यों, इसमें 2 मैंने, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, किस में से, रो 3 में से, बिल्कुल। अब मेरे प्यारे बच्चे एक चीज देख रहे होंगे, सर R1, R2 और R3, ठीक है बिल्कुल R3 है, बच्चे देख रहे हैं कह रहे सर जो R1 है जो R3 है उसके एलिमेंट क्या है, आइडेंटिकल है, यानी कि क्या है, सेम, जो इसके एलिमेंट है वो इसके एलिमेंट, 2, 2, 3, 3, 5, 5, मैंने कहा सही है। तो कह रहे सर प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 3, कह रहे प्रॉपर्टी 3 तो ये बोलती थी, क्या बोलती थी, कि अगर किसी रो के एलिमेंट या किसी कॉलम के एलिमेंट आइडेंटिकल हो तो उस मैट्रिक्स की वैल्यू, सॉरी उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी आती थी सर, 0, कितनी आती थी सर, 0। तो प्यारे बच्चों यानी कि ये जो मेरे पास जो जो डिटरमिनेंट्स आएगा सर उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना, 2 × 0 सर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको, ये तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉलम भी ले रहे हैं और फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है और साथ साथ क्या हो रही है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है, है ना। आप ये कंफ्यूज मत होना बेटा, यहाँ पर जस्ट कॉमन लिया है, तो मैंने से कॉमन किस में से लिया, इसमें लिया है, जो कॉमन लिया तो क्या बन गया, ये प्रॉपर्टी, इसके एलिमेंट एक जैसे बन गए, रो फर्स्ट और रो थर्ड के,
और जब दो रो के एलिमेंट या दो कॉलम के एलिमेंट एक जैसे होते हैं तो उस डिटरमिनेंट का आंसर क्या आता है, जीरो। तो पूरा आंसर क्या आएगा सर, जीरो आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये तो एक प्रॉपर्टी नंबर चार पर बेस एक क्वेश्चन था। अब क्या पढ़ेंगे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। चलिए सर बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर पांच की। ठीक है, प्रॉपर्टी आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है, है तो प्रॉपर्टी ही। ठीक है, और मैं आपको इस हिसाब से करा रहा हूं ताकि एक पिछले वाली प्रॉपर्टी का आगे वाले प्रॉपर्टी के साथ कोई संबंध हो, कोई रिलेशन हो। ठीक है, रिलेशन से याद आया, पढ़ेंगे हम क्या रिलेशन एंड फंक्शन, है ना, पढ़ेंगे। ग्यारह में पढ़ा था, बारह पढ़ेंगे। तो पांच प्रॉपर्टी क्या है, तो बेटा पांच जो प्रॉपर्टी है ना, पांच प्रॉपर्टी जैसी प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की थी वैसी प्रॉपर्टी इसकी भी है। मैं यहां पर पांच का नाम लिख रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जस्ट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। ठीक है भाई, है ना। चलिए सर, क्या प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टी मेरे पास मान के चलो ये है कि प्रॉपर्टी मैं यहां पर सिंपल आपको लिख रहा हूं। मेरे पास ए कोई डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है, जैसे मैं लिख रहा हूं, मान लो यहां पर ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट्स है, बिल्कुल है सर। अब ये कहता भैया कि अगर मान के चलो मुझे R1 को चेंज करना है, चेंज किसको करना है, R1 को, तो R1 को अगर मुझे चेंज करना है, है ना, ऐसे बोलते हैं कि R1 चेंज तो, है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो मैं कर रहा हूँ R1 को चेंज कर रहा हूँ मैं, तो क्या लिखूंगा मैं, R1 प्लस, फिर मैंने लिखा 3, अच्छा हाँ, R1 प्लस 3 R2, अरे कर सकता हूँ कर सकता हूँ मैं सर, ये तो आपने वही लिखा है, किसका, उसका सर, किसका, डिटरमिनेंट्स का, तो मैंने क्या बोला, सॉरी किसका, मैट्रिक्स का, अरे जो मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में ऐसे करते थे हम, है ना, चेंज कर सकते थे हम, जब हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होता था, जब मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते तब ऐसे करते थे हम, तो सर ऐसे करेंगे, तो मान कर चलो मुझे चेंज किसको करना है, आर वन को, तो मैंने कहा आर वन प्लस थ्री आर टू, कर सकते सर, क्या दिक्कत है ना, जो मेरे पास नए क्या बन जाएगा, जो नया डिटरमिनेंट बनेगा तो डेल्टा वन बनेगा, क्या होगा सर, यानी कि ए वन प्लस थ्री सी टू, ए वन प्लस थ्री सी वन, थ्री सी वन, फिर क्या बनेगा, ए टू प्लस थ्री 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 थ्री, क्या थ्री सी टू, फिर ए थ्री प्लस थ्री सी थ्री, बाकी क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा बी वन बी टू बी थ्री और सी वन सी टू और सी थ्री। आप बोलोगे सर आपने ऐसे क्यों टाइम पास कर रहे हो, अरे बताना पड़ता ना भाई, मतलब जो मैट्रिक्स वाली थी यहाँ पे यही वाली है। ठीक है, सेम ऐसी ना, आप चाहो बोले कॉलम में भी आपने ऐसे किया, तो आप चाहो तो कॉलम में भी कर सकते हो इसको अप्लाई, कैसे, ऐसे भैया जैसे मैंने कहा सर कि सी वन चेंज टू सी वन प्लस टू सी टू, कर सकते हो सर, है ना, कर सकते हैं, मान के चलो हम ऐसे ध्यान रखना, पर एक बार में आप एक बार में एक ही रूल अप्लाई करना, या तो रो को चेंज करना, फिर अगली बार में कॉलम को चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, प्यारे बच्चों मानो चेंज करना मुझे, तो मैंने क्या कहा, कैसे हो जाएगा, सी वन, सी वन क्या था, यानी ए वन प्लस टू सी टू, तो ए वन प्लस का बेटा, ए वन प्लस टू ए टू, फिर सर क्या होगा, बी वन प्लस टू बी टू, फिर का सर सी वन प्लस टू सी टू, है ना सर, यही तो होगा, क्यों भाई सर, अब यही तो होगा ना, देख लो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना सर, ऐसे तो कर सकते हो आप, बोलो सर ये तो आपने वही करा दिया, जो प्रॉपर्टी मैट्रिक्स वाली थी यहाँ भी लगभग वही वाली आ गई है। हाँ, पर एक गलती मत करना, एक गलती कभी मत करना जिंदगी में, कौन सी वाली, ऐसे मत कभी मत करना कि मान के चलो आप ऐसे कर रहे हो R1 चेंज टू किसमें 2R1, क्या रे कौन करता है ऐसे, अच्छा R1 R1 चेंज 2R1, अच्छा R1 को चेंज कर रहे हो और उसी को मल्टीप्लाई करो किसी नंबर से, अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार,
इससे अच्छा फोर्थ प्रॉपर्टी लगा लो, है ना। नहीं सर आप ना ऐसे कैसे कर सकते हो सर, है ना। यहाँ पर सर आप ना ऐसे है ना डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको, उसमें ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है ना। मान के चलता हूँ ये दो मिनट के लिए मान लो ना, हाँ मान लो दो मिनट के लिए आप आर वन निकालो सर, है ना। अब आर वन इक्वल टू सॉरी सॉरी आप सर ऐड तो नहीं कर सकते कि आर वन इक्वल टू क्या टू आर टू, है ना। सर क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ तो जोड़ना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो आपको उसमें जोड़ना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा सर आपको उसमें घटाना पड़ेगा। तो ये मत करना आप ऐसे उल्टे काम। तो सर ये हमारी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी यानी हमारी किसकी थी मैट्रिक्स की, वही प्रॉपर्टी सर किसकी होगी हमारी डिटरमिनेंट्स की होगी सर, ठीक है। अब सर एक लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है छठी प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं सिक्स प्रॉपर्टी की तरफ। बच्चों बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर सिक्स की, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर सिक्स सर सिंपल है, आसान है। क्या प्रॉपर्टी है सर इसकी, देखो बेटा मैं एक डिटरमिनेंट्स का एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या मेरे पास, मान के चलो मेरे पास है ए वन प्लस एक्स, ए टू प्लस वाई और ए थ्री प्लस जेड। इसको मैं फिर बी वन फिर बी टू फिर बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट्स है, डिटरमिनेंट्स है। क्या मेरे पास डिटरमिनेंट्स है, ये मेरे पास कोई डिटरमिनेंट्स है, तो सर मैं इसको ना चेंज करके, मैं इसको ना इसको मैं चेंज करके क्या कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, कि ऐसे कर सकता हूँ कि ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। आप कह रहे हैं सर आपने क्या किया, ए वन ए बी वन सी थ्री, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, आपने वही लिख दिया, बिल्कुल वही लिख दिया मैंने। फिर मैं क्या क्या करूंगा कि इसके जो पहले वाले के जो बचे हुए एलिमेंट है, जो पहले वाले के बचे हुए एलिमेंट है, वो सर क्या आ जाएंगे, वैसे आ जाएंगे। मतलब सर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा वाई, ये आ जाएगा जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, और बाकी क्या आ जाएगा सर, वही बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। मतलब सर मेरे पास अगर कोई मैट्रिक्स है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं उसी फॉर्म में, है ना। सर यहाँ पे जो x था मेरे पास एड था इसके साथ, है ना सर, एड था इसके साथ। हाँ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या होता था, मैट्रिक्स में क्या होता था ना, मैट्रिक्स में हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करते थे, मैट्रिक्स में हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करते थे। पर थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा नहीं होगा सर, यहाँ पर हमने क्या किया सर, ये जो मेरे पास था इसको ओपन कर दिया। आप देखिए ना ये मेरे पास था, मैंने क्या किया सर, एक्स वाई जेड था, एक्स वाई जेड को अकेला लिख दिया। बाकी सर जो पूरा ये वाला पार्ट है सर, ये वाला पार्ट क्या आ गया, हूबहू क्या आ गया सर, ऐसे ही आ गया सर हमारे पास, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहा हूं कि छह प्रॉपर्टी थी खत्म हो गई हमारी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं जो आज की छह प्रॉपर्टी है ये आप लोगों के समझ में बेहतर तरीके से आई होगी बेटा, ठीक है। तो ये और सही तरीके से आपके माइंड में तभी बैठ पाएगी जब क्या करोगे आप सर, जब घर जाकर इनकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। घर में क्या करोगे इसको, है ना, इनको सर क्या करोगे, रिवाइज करोगे घर में ही हो, अच्छा आप लोगों ना घर में ही हो, मतलब रिवाइज करोगे आप लोगों ना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ। नई वीडियो क्या होगी सर, वही होगी हमारी एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। नए क्लास में मिलेंगे, नए लेक्चर में मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ, है ना, एक नए समय के साथ, नए दिन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।